जनता के प्रतिनिधि के रूप में आज लोकसभा के सम्माननीय सदस्य और भविष्य के भी लोकसभा के सम्माननीय सदस्य और देश और दुनिया में नाम और सीधे मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। इसके पहले सिर्फ एक स्थिति यह है कि इस बार की लड़ाई करती हूँ कि आपने कमल का फूल खिलाया, हमारी सरकार बनाई और हमें इतनी शक्ति दी कि दुश्मन कांपने लगे हैं। अब और 5 साल हमें दीजिए, देश को और भी मजबूत करेंगे और फिर से कमल को हर जगह खिलाएंगे। एक व्यक्ति जो है देशवासियों के लिए, देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य को बदलने के लिए आगे बढ़कर इतना काम कर रहे हैं, वहीं पर कुछ दुश्मन लोग गठबंधन बनाकर उन्हें विरोध कर उन्हें गिराने के लिए बैठे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर बता दें उन लोगों को, उन सारे दुश्मनों को बता दें कि पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ है। आज हिंदुस्तान के कण कण मिट्टी उनके साथ है, हिंदुस्तान के नदियों का एक एक बूंद उनके साथ है, हिंदुस्तान के हवा के झोंके भी उनके साथ है। हिंदुस्तान के साथ साथ सुरक्षा भी हो रही है आज, क्योंकि आतंकवाद इतने हैं, उनको सबको एक तरफ कर दिया है मोदी जी ने। उन्होंने बता दिया सारे सेना को, उनका कितना साथ दिया सेनाओं को, हमारे सेनाओं को, ताकि कोई भी आतंकवाद हमारे देश के ऊपर बुरी नजर नहीं लगा सकते हैं। ऐसा सम्मान देने वाली एक सरकार है और सुरक्षा देने वाली सरकार है, इसे आप सुनिए और आप सब मिलकर एक मेरे साथ सौगंध खाइए। कमल फूल खिलाने से पहले जरूर सौगंध लीजिए कि हम देश का सर नहीं झुकने देंगे, विकास का रथ नहीं रुकने देंगे, सम्मान का ये जो चल रहा है इसे यूं ही बढ़ाते रहेंगे और हर वक्त हम कमल का फूल खिलाते रहेंगे। ये हम वादा कीजिए, हाथ उठाकर बताइए कि आप हमारे प्रत्याशी हमारे राधा मोहन जी को ही जिताना है और कहीं आपको नजर उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। भारत माता की, भारत माता की।